हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो यहाँ टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है थ्राउन रूल। ये हम हमारी बुक जो एम लक्ष्मीकांत बुक है इंडियन पॉलिटी की, उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो थ्राउन रूल से जो पहले का जो टॉपिक था कंपनी रूल, वो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ जाते देख लीजिए और उसके बाद में ये वाला वीडियो देख लेना। तो जो थ्राउन रूल है वो थ्राउन रूल हमारा शुरू हुआ था 1858 में और जाते ख़त्म हुआ था 1947 में। और जो इस सिक्वेंस में जो फर्स्ट जो एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 जो बनाया गया वो ऑन द बिहाफ ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 में सेवन से कॉजेस जो से जो रीजन्स थे उन्हें ख़त्म करने के लिए बनाया गया। जब हमारे इंडिया में जो रिवॉल्ट हुआ, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, उससे बहुत सारे कारण थे, जैसे मतलब जैसे यहाँ पे सती प्रथा थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, सुअर और जायती चर्बी पाया जाना था राइफल्स में, तो इन सारे जो रीजंस थे तो उन सब रीजंस तो ख़त्म करने के लिए जो एक्ट बनाया गया, उससे बाद में जो एक्ट बनाया गया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। इसे एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट भी बोलते हैं। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इससे बाद में तो चेंजेस ये रहे, जैसे फर्स्ट चेंज ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे पूरी तरीके से इंडिया में ख़त्म कर दिया गया। उससे जितनी भी पावर्स थी, जितनी भी टेरिटरीज थी, रिवेन्यू था, वो सारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ट्रांसफ़र कर दिया गया था। और इससे बाद में जो पहले जो इंडिया में जो हमारे यहाँ पे जो शासन हो रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जा रहा था, बट इससे बाद में जो ये एक्ट आया, इससे बाद में ये बोला गया थी जो हमारे यहाँ पे अब जो शासन किया जाएगा, जो इंडिया में जो शासन किया जाएगा वो बाय द नेम ऑफ हर मेजेस्टी, मतलब ब्रिटिश क्वीन के द्वारा के नाम पर अब यहाँ पे शासन किया जाएगा। और इससे बाद में जो डेजिग्नेशन थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी उसे चेंज कर दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया के तौर पे। और जो हमारे फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और ये बोला गया थी जो ये हमारे जो वायसराय ओनली जो इंडिया थे, अब जो वायसराय होगा वो उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा ब्रिटिश क्राउन के अंडर। इससे बाद में जो यहाँ पे पहले दो सिस्टम चल रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और सॉर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, तो ये बोला गया था इस डबल गवर्नमेंट सिस्टम का अब ख़त्म किया जाए, क्योंकि अब पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उससे अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और जो ये जो सॉर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो रिपोर्ट किया करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाते। तो यहाँ पहले ये दो सिस्टम चल रहा था, डबल गवर्नमेंट का सिस्टम चल रहा था, तो अब इसे यहाँ पे ख़त्म किया गया डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते जो रिपोर्ट किया करते थे वो हुआ करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बट अब यहाँ वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया तो अब कौन रिपोर्ट करेगा, तो इसके लिए एक नई पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थी। तो इसलिए और जो अब इसका क्या था, इसका कंप्लीट अथॉरिटी और कंट्रोल था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। अब ये जो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया है, इससे बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारा वर्थ होगा, तो और इतना बड़ा जो जिम्मेदारी निभाएगा तो वो अकेला इंसान निभा नहीं सकता था, तो इस वजह से उसके लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी ताकि वो उससे सहायता कर सके। और ये जो काउंसिल हुआ करती थी, एडवाइजरी बॉडी के तौर पे काम किया करती थी, ये सब उसे एडवाइस दिया करती थी क्या करना है और क्या नहीं करना। और इससे बाद में जो ये जो
जो काउंसिल होती थी, ये जो जो भी चारें चरती थी उससे लिए उस पर इंडिया में और इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता था। एज लाइक थी वो जो भी तारे तर रही है वो उससे लिए खुद जिम्मेदार है, थी वो क्या तारे तरे थी, तो इसलिए उन पे अगर उन्होंने कोई गलत तारे किया है तो वो उन पे मुकदमा चलाया जा सकता था। इसके बाद में जो एक्ट आता है वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में आता है। जो हमारा रिवॉल्ट हुआ 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, उस टाइम ये देखा गया, उस टाइम उन्हें ये लगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसे ये लगा कि हमें ना अब जरूरी हमारे लिए आवश्यक हो गया है कि हम जो इंडियंस हैं उनसे कॉपरेशन से हम यहाँ शासन करें इंडिया में। तो उन्होंने यहाँ पे 3 एक्ट्स बनाए जो थे, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909 में, और इनके थ्रू उन्होंने इसमें जो बहुत सा उन्हें जो यहाँ थी लो मैथिन प्रोसेस थी और बहुत सारी जो चीज़ें थी उनमें इन्हें पार्ट लेना शुरू करवाया, ताकि उन्हें ये ताकि जो इंडियंस थे उन्हें ये फील हो सके कि वो अपने इंडिया के लिए बहुत सारे तारे तर रहे हैं। बट यहाँ अब भी जो इन्हें जो ये रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था वो लोग थे जो काफ़ी अमीर हुआ करते थे। यहाँ पे अब भी इंडिया के गरीबों का कोई वास्ता नहीं था। तो इस प्रोसेस में जो पहला चेंज किया गया वो ये था कि जो वायसराय थी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पे वायसराय थी दो काउंसिल होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो और इन दोनों काउंसिल्स में जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इंडियंस वो अलग अलग टाइम पे मिलेगा। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें अभी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में, और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें इन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इंडियन एक्ट ऑफ 1909 में। तो यहाँ पे इंडियंस तो रिप्रेजेंटेशन देने थी शुरुआत थी गई ये जो वॉइसराय था उसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ताकि जो इंडियंस थे उन्हें ये फील हो थी वो भी अपने देश से लो मैथिन प्रोसेस का हिस्सा है, वो भी वहाँ पे थोड़ी तारे तर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें यहाँ पे मेंबर्स बनाया गया। और जो पहले 3 मेंबर्स थे वो थे यहाँ से राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। अब यहाँ पे दो टाइप से मेंबर्स हुआ करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो ये थे ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल्स मेंबर। ऑफिशियल मेंबर वो मेंबर जो ब्रिटेन से आए हैं, जिन्हें वहाँ से अपॉइंटमेंट मिली है, वो हुआ करते थे ऑफिशियल मेंबर्स। और जिन्हें वॉइसरॉय अपनी काउंसिल में मेंबर बना रहा था वो होता था नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसके बाद में ये बोला गया कि अब ना थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए पावर्स का। इससे पहले क्या था, जब कंपनी रूल था उससे पहले ये था कि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा किया गया था। वहाँ पे जो भी पावर्स थी वो सारी जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसे ही थी। अब यहाँ पे जो पावर्स थी उसका डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा था, जो भी पावर्स थे अब पहले, इससे पहले जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनसे सारी पावर्स ले ली गई थी, बट यहाँ दोबारा से अब बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज से उनकी पावर दी गई थी। इस तरीके से क्या किया जा रहा था, डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा था। जैसे ये जो इससे पहले जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 उसमें शुरुआत की गई थी सेंट्रलाइजेशन की, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 यहाँ तक जाते जाते पूरा सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। बट अब यहाँ दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, और इसमें जो ये हमारा 1937 तक आते आते तो हमारा जो ये प्रोविंसेस होती इन्हें फुल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। इससे बाद में क्या हुआ, कुछ नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स तो एस्टेब्लिश किया गया, जैसे बंगाल थी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस थी और पंजाब थी, इनमें नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एस्टेब्लिश की गई। जो ये जो हमारा बंगाल था इसमें 1862 में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में 1886 में और पंजाब में 1897 में न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश की गई थी। इसके बाद में
जो सिस्टम था पोर्टफोलियो सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कराया गया था। ये कराया तो 1859 में था, बट जो इसे रिकॉग्निशन मिली थी, मतलब जो रिकॉग्निशन मिली थी वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में मिली थी। अब पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टम ये है, जैसे एक मिनिस्टर तो एक मिनिस्ट्री सौंप दी जाती है, वैसे ही उस टाइम पे एक मेंबर तो एक डिपार्टमेंट या दो डिपार्टमेंट सौंप दिए जाते थे, और जो फाइनल ऑर्डर इशू हुआ करता था वो उस मेंबर के द्वारा इशू कराया जाता था, और जो भी मैटर्स हुआ करते थे उसमें, जो भी उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने का काम हुआ करता था उस पर्टिकुलर मेंबर का। जैसे अभी इंडिया में होता है, जैसे हमारे यहाँ पे होम मिनिस्ट्री होती है, और होम मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है ना, उसी टाइप से पहले भी ये पहले ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में ये शुरू किया गया था। और इसे शुरू करवाने वाले कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसके बाद में जो इसका जो फिफ्थ पॉइंट है इस एक्ट का, वो ये है कि यहाँ पे जो वॉइसराय था उसे एक पावर दी गई थी इशू ऑर्डिनेंस करने की। ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था वो जब कोई यहाँ पे इमरजेंसी हो विथआउट द कॉन्फ्रेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब उसे बिना सहमति थे लेजिस्लेटिव काउंसिल से बिना सहमति थे वो यहाँ पे एक इशू ऑर्डिनेंस कर सकता था इन द केस ऑफ इमरजेंसी। जो इमरजेंसी होती वो डिसस्टर वो और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया जो होते थे वो डिसाइड कर लिया करते थे, और उसके बिहाफ पे वो ऑर्डिनेंस इशू करते थे। और ये जो ऑर्डिनेंस होता था वो 6 महीने के लिए इशू, इसका जो लाइफ पीरियड होता था इस ऑर्डिनेंस का वो 6 महीने का हुआ करता था। इससे बाद में जो एक्ट है वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 है। इस एक्ट के अंडर जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर थे उनकी जो नंबर था, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर था, उन्हें बढ़ाया गया। कहाँ पे बढ़ाया गया? तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बढ़ाया गया। बट यहाँ जो मेजोरिटी थी वो अब भी ऑफिशियल मेंबर्स ही मेंटेन की गई थी। और जो इसका सेकेंड पॉइंट है उसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे अब इनसे कुछ, अब उन्होंने मेंबर्स बढ़ा दिए हैं तो उन्होंने कुछ फिर फंक्शंस भी बढ़ाए, क्योंकि अब मेंबर्स है तो फिर उन्हें काम भी चाहिए, कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, वो ऐसे तोड़ना रहेंगे काम ही तो ही काम नहीं करेंगे, तो उन्हें तो फंक्शन उनसे और बढ़ाया जाए। और उसमें थी कि वो अब बजट डिस्कस कर सकते थे और क्वेश्चन एड्रेस कर सकते थे एग्जीक्यूटिव से उन सब बजट पे। और जो ये जो हमारा सिस्टम था, सिस्टम ऑफ बजट, वो इंट्रोड्यूस कराया गया था 1860 में। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं, आप इन्हें अलग से लिख लेना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद में जो ये नॉमिनेशन हो रहा था हमारी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव, मतलब जो वॉइस रही थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, गवर्नर थी, तो इनमें जो नॉमिनेशन हो रहा था इस सब कुछ लोगों को तो परेशानी होने लग गई। जैसे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लोग म्यूनिसपैलिटीज़ यूनिवर्सिटीज़, तो उन्होंने बोला कि आप जो ये नॉमिनेशन कर रहे हो वो करो, बट अब क्या है इसमें हम कुछ हमारी भी रिकमेंडेशन हम देंगे, तो इसमें उन लोगों तो भी थोड़ा सा मतलब रिकमेंडेशन देने के लिए यहाँ पे ये इस एक्ट में तो में ये सारी चीज़ें लाई गई। इसमें ये बोला गया कि अब जो वॉइसराय थी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी उसमें कुछ मेंबर्स जो होंगे वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिकमेंडेशन पे बनाए जाएंगे, और जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो गवर्नर थी, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती थी उसमें गवर्नर थे द्वारा बनाए जाएंगे कुछ रिकमेंडेशन पे, जैसे जो ये रिकमेंड करेंगे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, इन सब के रिकमेंडेशन पे
अब जो सच मेंबर्स होंगे वो गवर्नर के द्वारा मेंबर्स बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन जो इंट्रोड्यूस कराया गया था। इससे बाद में जो एक्ट आता है वो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। ये यहाँ पे एक मिनट, यहाँ ये मॉर्लेमेंटो है, एम इस जगह ये मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म है लिखा हुआ है, एम यहाँ पे रह गया, ये थोड़ी सी वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो इस एक्ट को मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। जो लॉर्ड मॉर्ले हैं वो इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मॉर्ले MOR मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी स्टेट है, और जो मिंटो है वो है वॉइस रॉय। ऐसी तो जोड़ियां रही है इस टाइम इन सच एक्ट्स में, जैसे इस्ते बात का जो एक्ट है जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये मॉन्टेजियो और क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहलाता है। तो ऐसे ये कुछ जोड़ियाँ रही हैं, कुछ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वॉइस रॉयस थी। तो इस जो एक्ट में है, जो ये जो एक्ट है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसमें लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो है, इनके द्वारा तो चेंजेस किए गए। तो इसमें जो चेंजेस हुए, इसमें जो मतलब नई चीज़ें लाई गई वो ये थी, अब जो नंबर था, साइज था, जो लेजिस्लेटिव था काउंसिल का जो साइज था उसे इंक्रीज किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनके नंबर तो बढ़ाया गया, ये 60 से 60 कर दिया गया, मतलब अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स कर दिया गया, इसे बढ़ा दिया गया था। और इसके बाद में ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें यहाँ पे जो मेंबर्स थे जो नंबर था वो फिक्स नहीं था। इसके बाद में जो पॉइंट है वो ये बोलता है कि ये यहाँ पे जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो अब भी बरकरार रखी गई थी। रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखी गई थी, बट जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी तो वो अलाउ कर दिया गया था। मतलब ये थी जो हम ये जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो वॉइसरॉय थी काउंसिल हुआ करती थी उसमें अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी मतलब जो मेजोरिटी थी वो अभी ऑफिशियल मेंबर्स ही थी, और जो ये प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर्स थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी तो अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी तो अलाउ कर दिया गया था कि अब वहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी हो सकती है। इसके बाद में कुछ फंक्शंस थे, डेलिब्रेटिव फंक्शंस थे, उन्हें और बढ़ाया गया, जैसे था, और ये दोनों ही लेवल्स पे किया गया था, दोनों ही काउंसिल्स में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में ही। और ये थे जैसे वो क्वेश्चन कर सकते थे, अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे वो अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते थे, रिजोल्यूशन मूव कर सकते थे बजट के ऊपर। इसके बाद में ऐसा पहली बार हुआ थी जो वॉइसराय थी उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें भी अब इंडियंस तो मेंबर बनाना शुरू किया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर बनाना शुरू किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर बनाना शुरू किया गया वो अब किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में। और जो पहला जो इंडियन था जिसे मेंबर बनाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हें लॉ मेंबर बनाया गया था, एज ए लॉ मिनिस्टर इन्हें अपॉइंट किया गया था। इसके बाद में सेपरेट इलेक्टोरेट तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ये होता है कि जब एक क्षेत्र में बहुत सारे रिलीजन से वोटर्स होते हैं और उनमें तो एक मेंबर, जैसे ये सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था, इसमें ये बोला गया था जैसे तो मेंबर मुस्लिम मेंबर
जैसे कोई मुस्लिम मेंबर है तो उसके लिए जो इलेक्शन में जो वोट करेंगे वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। इस तरीके से देखा गया था यहाँ पे पहली बार इन लोगों ने इंडियंस को रिलीजन मैटर पे डिवाइड करने की कोशिश की गई थी। तो इस और ये की गई थी बाय लॉर्ड मिंटो के द्वारा, और जो लॉर्ड मिंटो हैं उन्हें फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और इससे साथ ही जो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन थी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स थी, यूनिवर्सिटीज़ थी, ज़मींदार्स थे, इन्हें भी यहाँ पे सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कराया गया था। तो ये आज हमने पढ़ा है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 से हमने इंडिया एक्ट ऑफ 1909 तक डिस्कस कर लिया है। इससे आधे था हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप तो ये वीडियो आपकी पढ़ाई में यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे लाइक मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।